हे hey एवरीबडी मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल 1962 से 75 की तीन चीज़ें सबको बहुत अच्छे से याद है 1962 की इंडिया चाइना वॉर 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1975 में लगी इंटरनल इमरजेंसी पर इस टाइम के दौरान भी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी जो इन बड़ी खबरों के कारण सामने आ नहीं पाई नाइनटीन की बात करें वो या ट्वेंटी की खैर द्राविड मुनेत्र कलगम लगम के आपको पता है इस पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर कौन है या फिर किस चीफ मिनिस्टर ने मद्रास को रीनेम किया एज तमिलनाडु दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है सी एन अन्नादुरई जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं 1962 की अपनी राज्यसभा स्पीच में इन्होंने एक सेपरेट तमिल कंट्री बनाने की मांग रखी पर फिर 1962 के इंडो चाइना वॉर के वक्त इन्होंने अपने सेपरेट कंट्री की मांग को छोड़ दिया अब आप जरा सेंट्रल गवर्नमेंट की सोचिए एक तरफ चाइना के साथ एक्सटर्नल अग्रेशन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ एक सेपरेट कंट्री की मांग चल रही है इट वॉज कंप्लीट मेस प्योर पैनिक का माहौल था तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह सोचा कि एक्सटर्नल अग्रेशन से निपटने के लिए हमारे पास है एमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 पर इस डोमेस्टिक क्राइसिस से निपटने के लिए सिटीजन के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है और इसीलिए इमरजेंसी खत्म होने से पहले पास किया गया यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 1967 में पास किए गए इस यूएपीए एक्ट को समझते हैं तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इस एक्ट को पास किया गया 1967 में कैसे किया गया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक कमेटी सेटअप की नेशनल इंटीग्रेशन और रीजनलाइजेशन के लिए इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह सोचा कि अगर डोमेस्टिक क्राइसिस को हैंडल करना है तो सिटीजन के फंडामेंटल राइट right को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है और इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट से तीन फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू असेंबल पीसफुली और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस तो यूएपीए एक एंटी टेरर लेजिसलेशन है और इस लेजिस्लेशन की एनफोर्समेंट बॉडी है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है अब यूएपीए मेनली डील करती है अनलॉफुल एक्टिविटी से अब अनलॉफुल एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का लिया हुआ ऐसा कोई एक्शन जिसका मकसद सेशन लाना या सेपरेशन लाना हो या जो इंडिया की सॉब्रानिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करे या उसे डिस्टर्ब करना चाहे अच्छा यूएपीए पहला सिक्योरिटी लॉ नहीं है इससे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी था और यूएपीए के बाद भी बहुत सारे सिक्योरिटी लॉज बनाए गए जैसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट

और 2004 में इन एक्ट्स को रिपील कर दिया गया अब 2004 ये ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि 2004 में लाया गया यूएपीए का एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट 2004 के अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने यूएपीए में टेररिस्ट एक्टिविटीज को पनिश करने के लिए कुछ डेडिकेटेड चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए अब यूएपीए तो 1967 से था तो 2004 में ये अमेंडमेंट क्यों किया गया क्योंकि 2004 में पोटा को रिपील किया गया था और पोटा के रिपील होने के बाद एक वैक्यूम फील हो रहा था इसलिए यू में अमेंडमेंट के थ्रू इन फीचर्स को ऐड किया गया इसीलिए यू को पोटा 2.0 भी कहते हैं आतंकवाद के टेररिज्म के बदलते टेक्निक्स और पैटर्न को देखते हुए यू में भी बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए हैं जिसमें से सबसे रीसेंट है 2019 का अमेंडमेंट एक्ट जो बहुत डिबेटेबल है इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस टॉपिक से आप अपने आप को एंगेज कर पाए सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक को समझ सकें पर यह है स्टेप वन स्टेप टू होगा जब आप इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करें सॉरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें और फाइनली जब इस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट को समझते हुए आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएंगे मेरा ओपिनियन नहीं सोशल मीडिया का ओपिनियन नहीं अपना खुद का एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएंगे तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा तो चलिए आप और मैं मिलकर 2019 के अमेंडमेंट को एनालाइज करते हैं तो 2019 का अमेंडमेंट जब पास हो रहा था तब ऑपोजिशन और सिविल लिबर्टीज वालों ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इस एक्ट का मिसयूज होने के हाई चांसेस हैं क्योंकि ये एक्ट सीधा सीधा गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी टाइप के डिसेंट को कंट्रोल कर सके मॉनिटर कर सके या कर्व कर सके तो दो के अमेंडमेंट में ऐसा क्या मेजर चेंज आया इसका जवाब हमें इस क्वेश्चन से मिलेगा कैन डू टेररिज्म या किसे टेरिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं तो दो हजार उन्नीस से पहले ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर ही एप्लीकेबल था और दो हज़ार उन्नीस के अमेंडमेंट से ये एक्ट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों पर ही एप्लीकेबल होगा ये सारा चेंज आपको दिखने मिलेगा यू ए पी एक्ट के चैप्टर सिक्स सेक्शन थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स में ये एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है अगर कोई टेररिज्म के एक्ट कमिट करे पार्टिसिपेट करे प्रिपेयर प्रमोट या अदरवाइज टेररिज्म के एक्ट्स में इन्वॉल्व हो इन ग्राउंड्स पर ऑर्गेनाइजेशन और, और इंडिविजुअल्स दोनों को ही टेररिस्ट डिजिग्नेट किया जा सकता है ये चेंज क्यों लाया गया क्योंकि ये देखा गया कि जैसे ही कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन होती है उसके मेंबर्स न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इंडिविजुअली फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं दूसरा चेंज आया डिटेंशन प्रोविजंस में यूएपीए एक्ट की सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि अगर किसी इंसान को यूएपीए एक्ट के अंदर बुक किया जाता है तो उसे 180 डेज के लिए छह महीने के लिए बिना कोई चार्जशीट फाइल के डिटेन किया जा सकता है यह पीरियड आगे भी एक्सटेंड हो सकता है पर तब तक उस इंसान का राइट टू बेल अरइज नहीं होगा अगर हम नॉर्मल क्रिमिनल लॉ सिस्टम की बात करें तो उसमें एप्लीकेबल होता है सीआरपीसी का सेक्शन 167 जो ऐसी सिचुएशन के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड देता है 90 डेज का तीन महीने का और ये कहता है कि तीन महीने के बाद किसी भी इंसान का राइट टू बेल अराइज हो जाएगा उसके बाद उसे डिटेन नहीं किया जा सकता पर यू एक्ट का सेक्शन फोर्टी डी ये कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो किसी भी इंसान को 180 डेज के लिए और आगे भी डिटेन करके रखा जा सकता है बिना चार्जशीट के और उसका राइट टू बेल अराइज नहीं होगा तीसरा चेंज रिलेट करता है फोर्थ स्केड्यूल से 2019 के अमेंडमेंट ने यूए एक्ट में फोर्थ स्केड्यूल ऐड किया है अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इसे ध्यान से समझिए देखिए यूएपीए एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है और उसका नाम फोर्थ स्केड्यूल में ऐड कर देती है अब फोर्थ स्कड्यूल में ऐड करने का जो प्रोसेस है इसका कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है हाँ आपके पास रेमेडी अवेलेबल है कि आप 45 डेज के अंदर गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि आपका नाम इस नोटिफिकेशन से डी नोटिफाई किया जाए

अगर किसी इंडिविजुअल को अगर किसी सिटीजन को आप अगर टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका कोई स्कोप नहीं बचता उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि टेररिस्ट डिक्लेयर करना मतलब किसी भी इंसान की सिविल डेथ कर देना उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती गवर्नमेंट का मेन काम है राइट्स प्रोटेक्ट करना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक सेफ इन्वायरमेंट देना और सिक्योरिटी के बदले राइट्स ले लेना ये जो बाटर सिस्टम है ये आपको सही लग रहा है या नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा एक अच्छा डिस्कशन करते हैं तो ये था आज का वीडियो इंडिया के एंटी टेरर लेजिस्लेशन यू के ऊपर इंडिया के बाकी सिक्योरिटी लॉस पर भी मैंने ये वीडियो बनाई है इसे जरूर देख लीजिएगा और आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कनेक्ट कर सकते हैं और मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ उसकी इंफॉर्मेशन आपको मेरे ब्लॉग्स पर भी मिल जाएगी तो इसे भी एक बार जरूर चेक करिएगा उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो दैट्स इट फॉर नाउ सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय